हेलो फ्रेंड्स, मेरी इस चैनल शोभा की रेसिपी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, जिसे शायद आप बनाना खाना भी जानते होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ताज़ा हरे मटर का दाल, जिसे दाल चावल के साथ खाइए या रोटी के साथ भी खाइए, बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो फ्रेंड्स, अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में मौजूद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। ये एक पाव हम मटर लिए हैं, एकदम फ्रेश दाना है, और ये टमाटर एक, और ये हरा मिर्चा लहसुन, इसका हम पेस्ट बना लेंगे, और टमाटर का भी पेस्ट बनाएंगे और मटर का भी पेस्ट बनाएंगे। तो ये देखिए, ये मटर का पेस्ट है, और ये हरा मिर्चा लहसुन का पेस्ट है, और ये अदरक का पेस्ट है, और ये टमाटर का पेस्ट, और ये हींग, हींग ऑप्शनल है, और ये जीरा, हरी मिर्च, लहसुन, नमक, गरम मसाला, लाल मिर्चा पाउडर, और ये हल्दी पाउडर, और ये प्याज। तो चलिए, गैस जला के कुकर को हम रख दिए थे गर्म होने के लिए। अब हमारा कुकर गर्म हो गया है, अब हम यहाँ पे रिफाइंड डालेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो सरसों तेल का भी यूज कर सकते हैं। जब रिफाइंड गर्म हो जाएगा तो इसमें तेज़पत्ता डाल दिए हैं। तो फ्रेंड्स, हरे मटर की दाल अक्सर लोग बनाते हैं, जब तेल गर्म हो गया है तब इसमें हम जीरा डालेंगे। फ्रेंड्स, जीरा को ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का ही ब्राउन रखेंगे, और इसके बाद हम लहसुन डालेंगे। लहसुन को बारीक बारीक नहीं काटेंगे, ऐसे ही खड़ा डालेंगे, और ये हरी मिर्च कटा हुआ, फिर इसको चलाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से निमोना भी बनता है हरे मटर का। जब लहसुन हरा मिर्चा ब्राउन हो जाएगा तब प्याज डालेंगे। प्याज लहसुन ऑप्शनल है, चाहे तो बिना प्याज लहसुन का भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ प्याज लहसुन डालकर दिखा रहे हैं आपको। तो फ्रेंड्स, प्याज को भी हल्का ब्राउन करेंगे, और ये हींग है, मटर में हींग डालने से स्वाद बढ़ जाता है और नुकसान भी नहीं करता, और ये हल्दी पाउडर है, हल्दी पाउडर डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि थोड़ा सा कलर भी आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप हरे मटर की दाल बनाइए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। और ये हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट है, इसको भी डालकर हम मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, बराबर चलाते रहेंगे, नहीं चलाएंगे तो नीचे से चिपकने लगेगा। और ये अदरक का पेस्ट है, और ये टमाटर का भी पेस्ट है। टमाटर आप चाहे तो टुकड़ा टुकड़ा करके भी डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर पेस्ट बना के डाल रहे हैं, क्योंकि इससे थोड़ा स्वाद बढ़ जाता है और खाने में भी स्वादिष्ट लगता है। तो इसके बाद ये गरम मसाला, यहाँ पे आप चाहे तो राजेश मसाला का भी यूज कर सकते हैं, और ये लाल मिर्चा पाउडर। फ्रेंड्स, लाल मिर्चा पाउडर आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा तीखा खाते हैं तो ज़्यादा डालेंगे, अगर कम तीखा खाते हैं तो कम डालेंगे, क्योंकि हरे मटर का दाल थोड़ा तीखा रहता है, तभी चटपटा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप दाल बनाइए और खाइए और सबको खिलाइए। फिर इसको हम ढक देंगे 2 या 3 मिनट तक। तो देखिए, ढक्कन को हटाकर देख ले रहे हैं, मसाला में कलर अच्छा आ गया है। तो इसमें नमक डालेंगे। तो फ्रेंड्स, नमक डालने के बाद फिर इसको मिक्स करेंगे। तो देखिए, मसाला अच्छे से हम भून लिए हैं, और जो पेस्ट था मटर का, आधा खड़ा मटर है आधा पेस्ट है, तो इसको मिक्स कर लेंगे। फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि मसाला चारों तरफ मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, हरे मटर की दाल खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है, और बहुत ही कम समय में ये दाल बन जाता है। तो आप भी ज़रूर बनाइए और बताइए कि ये दाल कैसा लगा। तो देखिए, इसको हम ढक देंगे 2 या 4 मिनट के लिए। अब हम ढक्कन को हटाकर देख लेते हैं, तो देखिए थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है मटर का, और पानी डालेंगे इसमें। आप जितना गाढ़ा चाहते हैं उसके अनुसार पानी डालेंगे, अगर पतला खाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा अधिक पानी डालेंगे।
तो फ्रेंड्स देखिए इसको चला देंगे और ढक्कन को बंद कर देंगे, दो या तीन सीटी लगाएंगे। तो फ्रेंड्स बहुत लोग इसका निमोना बनाते हैं, बहुत लोग सब्जी बनाते हैं, मटर का हर जगह यूज होता है, बहुत ही स्वादिष्ट ये रेसिपी बनती है। तो देखिए अब मटर की दाल बनकर तैयार हो गई है, इसको हम खोलकर देख ले रहे हैं तो देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम मटर के दाल में आपको तड़का लगा के दिखाएंगे। तो चलिए गैस पे हम कलछुल को रख दिए हैं, कलछुल गर्म हो गया है, इसमें हम देसी घी डाल रहे हैं तड़का डालने के लिए। यहाँ पे आप चाहे तो सरसों तेल का भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमारा घी गर्म हो गया, इसको हम थोड़ा सा चला के देख लेंगे। फिर इसके बाद हम जीरा डालेंगे, यहाँ पे आप चाहे तो कढ़ी पत्ता का भी यूज कर सकते हैं लेकिन हम जीरा डाले हैं। और ये राई यानी सरसों, फ्रेंड्स राई डालने से तड़का का स्वाद बढ़ जाता है। कोई चीज़ में अगर राई का तड़का डालिए तो उसका स्वाद में चार चांद लग जाता है। तो ये हल्का ब्राउन हो गया है जीरा, इसमें हम खड़ा चार या पाँच सूखा मिर्चा डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मिर्चा को ज़्यादा काला नहीं करेंगे, तो इसको हम चला देंगे, अगर नहीं चलाएंगे तो मिर्चा जल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह आप बनाइए और पार्टी फंक्शन में तो ये दाल ज़रूर बनाइए। तो देखिए कितना अच्छा हमारा दाल बनकर तैयार हो गया। अब हम इसमें तड़का डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स तड़का डालने से दाल का कलर चेंज हो गया है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।